स्वागत है दोस्तों आप सबका एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वंदे भारत के बारे में। वंदे भारत को विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसको लेकर हमारे सामने एक आर्टिकल है। चलिए जान लेते हैं हमारे इस आर्टिकल को डिटेल में। तो वंदे भारत ट्रेनों को अब एक्सपोर्ट करने की तैयारी है। BEML लिमिटेड की ओर से यह जानकारी दी गई है। इसने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में रक्षा के साथ ही रेलवे और मेट्रो से और ज्यादा धनराशि मजबूत हो सकती है। कुछ वर्षों में वंदे भारत और मेट्रो ट्रेनों के लिए निर्यात ऑर्डर मिलने लगेगा। सातुन रॉय BEML के चेयरमैन हैं। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारा टारगेट देश में स्वदेशी वंदे भारत ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाना है, मगर इसके अगले साल हम इसको निर्यात की दिशा में काम करेंगे। BEML फिलहाल भारतीय रेलवे के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला प्रोटोटाइप बनाने में लगा हुआ है। ऐसी उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में यह कार्य पूरा हो जाएगा। कंपनी की ओर से कहा गया है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही मिडिल ईस्ट, साउथ अमेरिका और एशियाई देशों को वंदे भारत और मेट्रो के निर्यात की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। रॉय ने कहा कि मौजूदा एक्सपोर्ट रेट 4% है, जिसे 10% तक लेकर जाने का लक्ष्य रखा गया। इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए भी जा रहे हैं। दूसरी ओर पश्चिमी रेलवे की ओर से एक अहम जानकारी साझा की गई। इसमें बताया गया कि गुजरात के राजकोट और भावनगर मंडल के सभी स्टेशनों पर QR कोड उपलब्ध करा दिए गए हैं। यात्री QR कोड के माध्यम से टिकट किराए का भुगतान कर सकते हैं। मंडल रेल प्रवक्ता ने बताया कि इस नई पहल के तहत राजकोट मंडल के राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, द्वारका सहित सभी छोटे बड़े स्टेशनों के टिकट काउंटरों पर QR कोड उपलब्ध हैं। इनके माध्यम से रेल टिकट का भुगतान स्वीकार करने की सुविधा दी गई है। मंडल रेल प्रबंधक ने यात्रियों से अनुरोध किया कि वे डिजिटल तरीके से टिकट किराया का भुगतान करने के लिए QR कोड का उपयोग करें। तो दोस्तों यही है हमारी एक छोटी सी वीडियो वंदे भारत को लेकर। केंद्र में बताया गया है कि BEML जल्दी ही अब वंदे भारत को एक्सपोर्ट भी करेगा। हालांकि अभी वो वंदे भारत स्लीपर के ऊपर काम कर रहे हैं, और जैसे ही वंदे भारत स्लीपर वर्जन का पहला प्रोटोटाइप सामने आएगा तो उसके अगले साल ही ये लोग वंदे भारत को एक्सपोर्ट करने की दिशा में काम करेंगे। तो जिसको लेकर हमारी एक छोटी सी वीडियो थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो यार आपको पता ही क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर और लाइक कर देना।